जा, मैंने तो अभी ना पैर छुए ही आ गया। बात नहीं है आपकी, घर गंद काम सबको फेंक रही थी मैं कुछ कपड़े मैंने इसको बोला कि अभी मत फेंको क्योंकि अभी किसी और की अमानत है, तो कह रही है अभी सिंदूर नहीं पड़ा, सिंदूर पड़ा। अरे हमार कैमरा ऑन नहीं ना सुन लग पता नहीं हमारा कैमरा ऑन नहीं होंगे उठाना जी उठे ले डालू सा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। और इसको बाबू कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? दम दम कहाँ गए थे? देखना यहीं से कूद जाएगी। जम्प, चल जम्प, गिरती है अब नहीं। हो गया अंदर 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 डंडा से बंद करेगी। आग से खिलवाड़ नहीं बेटा, मिल गई अपने गाड़ी 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 बाय 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 बाय। ये देखो मामी को दिखा रही है कि हम जा रहे हैं। नमस्ते मामी। ये देखो बाबू, बुआ जा रही है, दो दो बेबी, दोनों बेबी के साथ खेलो। धनु मम्मा जा रही है, ठीक है आ जाओ इधर आ जाओ। धनु देखो कहाँ जा रही है। धनु जल्दी जल्दी आ जाओ। वो कमेंट जैसा चलो ए, वो सोची ना कि जाने के लिए बुला रहे हैं। धनु ए बाबू जा, दिशा दिशा इसको ले जा। सो हाँ धनु मम्मा को प्यार कर लो। मम्मा मंदिर से आ रही है, ठीक है पूजा करके चलो। दिशा आरती मासी को थोड़ा भगवान जी का दर्शन करवा दे, ठीक है। अभी चलोगे? अभी तो रेडी हो, नहा लियो, आ जाओ आओ आओ ले चलो। आ जाओ घूम के आते, जल्दी आ जाएंगे, आपको भी मजा आएगा भगवान जी मत भगवान जी दर्शन करके मजा आएगा। जल्दी आओ जा चलो। क्या पड़ा हुआ है? सो गाइस, तो किसी ने बोला कि ये कीर्ति कहाँ रह रही है, तो कीर्ति को नहीं दिखा रही हम कहाँ पर। बुआ जी के पास मत आ बेटा, ये उठा ले दिशा, उठा ले, मेरे चक्कर में गिर जाती है। ए, कैसे पकड़े, उठा को देखा। हाँ भैया यही है, चले जा। तो लोग कह रहे हैं ए कैसी हो तुम, कीर्ति को कोई कमेंट किया था, कीर्ति को क्यों नहीं दिखा रही तुम्हारी। मैं यही हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं कभी कभी कैमरे के पीछे चली जाती हूँ ना। ना दीदी हम तैयार नहीं की नहीं, मैं ऐसे ही रहती हूँ, लेकिन कुछ ज्यादा बिजी हो जाती हूँ इसी वजह से मैं नहीं आ पाती हूँ। अब मैं आ गई हूँ क्योंकि मैं ब्लॉग नहीं बनाती, इसलिए मुझे थोड़ा शर्म आता है, इसलिए नहीं आती। इसलिए नहीं था, देखा ब्लॉग नहीं बनाती तब भी कितना बोल रही है। ये बहन का प्यार है, ब्लॉग नहीं बनाती तब भी मैं सामने आके इतना बोल रही है। और एक बहन का प्यार अब हम बिछड़ने वाले हैं, पहले ही मैं तो छोड़ के चली गई थी, अब क्या है छोड़ने वाली है। तो पता है अब ना सबसे ज्यादा दुख निक्की को होगा, होगा ये चली जाएगी, तू चली जाएगी, है ना, वही तो रहेगी, अकेले ढूंढती रहेगी। कोई बात नहीं, जब मेरी दीदी का भी शादी हुआ था ना तो मैं अकेली इतना दिन तो दुख हुआ था, हुआ था ना, दुख बहुत हुआ, बहुत हुआ। जो साथ में रहता है ना उसको होता है। अब तो मेरा आदत हो गया तो मैं रह लेती हूँ। हाँ। पर ये बता रही मैं गई थी तुझे नहीं हुआ, वो तो छोटी थी, आज तो खुश हुई होगी, अच्छा हुआ पीछे की चली गई। अभी जब मैं लेकिन मैं जब से इनके पास आ गई थी ना, हाँ? कुछ इनका ज्यादा ही वो हो गया था, अटैचमेंट हो गया है ना। हाँ। तभी तुम्हें भी पता चलेगा, विदाई के टाइम पे तुम्हें भी खूब रोना आएगा। आई थी तो साथ में खाना खाते, जब से हम आए हैं ना साथ में खाते, और जिन नहीं तो भूख नहीं है। और बताए जिन दिन अकेले खाते हैं तो खाना ही नहीं खत्म होता, छोड़ के आके खाते उसको फेंकना ही पड़ता है। अच्छा। तो हम तीनों बहनें जा रहे हैं मंदिर भगवान जी के दर्शन करने, और आपको बताएंगे क्यों, क्योंकि अभी हाथ में दर्द हो रहा है।
सो गाइस तभी मैं मेट्रो में हूँ, वहीं एडिटिंग कर रही हूँ, तो आप लोगों को वॉइस जा रही होगी। तो यहाँ पे पुलिस वाले लोग देख रहे हैं, ऑटो वाले भैया वहाँ से देख के और भागे थे, और ये दोबारा दूसरी जगह से घेर के इन लोगों ने घेरा हुआ था और इनसे पंगा ले लिया था। ये सिर्फ ऑटो और टोटो जो था उन सबको चेक कर रहे थे, कुछ मतलब क्वालिटी कोई चीज़ देख रहे थे। इनको लगा कि पता नहीं मेरा नंबर प्लेट नहीं, ऑटो वाले का नंबर प्लेट नहीं था, इसलिए वो भाग रहे थे कि मैं चलान काट देंगे। घर से जाओगे तो क्या कहोगे, खेत घुमाने में जा रहे हो? पुलिस छोड़ दे, जब पुलिस ने ठान ली तो ठान ही ली, चलो छोड़ दे। गाड़ी पकड़नी है तो पकड़नी है, कि वो कहीं से बैठ जाओ, हमें सारा रास्ता बताई सेक्टर जी। हां किधर हम उतर जाए फिर फिर मैंने इन लोग से बोला भी कि हम उतर जाएंगे, उन्होंने बोला नहीं नहीं मैम, और इनको भी पता चल गया था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे वीडियो अच्छा ठीक है आप हमारे साथ आकर वीडियो। फिर मैंने बोला नहीं मैं आप लोगों का फेस भी ऐड कर दूंगी। उसके बाद हम पहुँचे मंदिर, और यहाँ पे ऑटो वाले भैया ने फ़ोन से बोला कि नहीं मेरे पास नहीं है, नंबर भी नहीं है, स्कैनर भी नहीं है, तो आपको कैश देना होगा। तो मैं पर्स तो लेके आई थी, फिर उसमें ढूंढ रही थी पैसे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 500 के नोट थे, तो वही सारी चीज़ मैं ढूंढ रही थी। और यहाँ पे उतर गए, और ये हमारी पुरानी गलियाँ है, मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और यहाँ पर हम मंदिर में आए, और ये मंदिर ना बहुत बड़ा बन चुका है और बहुत सुंदर, मतलब दर्शनीय स्थल बन चुका है। बंदर महाराज के देखो, उनको कुछ खा रहे हैं वो, अच्छा हाँ, तो इसलिए इनको यहाँ पर रखे मूँगफली खिला रहे। सो गाइस, तो मैं यहाँ पे आई हूँ मंदिर में, हृदय राम बाबा के मंदिर में, और यहाँ पे एक लड़का था, मैं इसे जाना जाना सा लग रहा है, फिर से मैं कंफर्म करती हूँ। तो मैंने पूछा कि उस लड़के से कि तुम मुझे जानते हो, तो कह रहे हाँ आप स्कूल में पढ़ाते थे, क्योंकि मुझे भी ध्यान था कि मैंने इसको पढ़ाया है बचपन में, और अभी बड़ा हो गया है कुछ कर रहा था। ठीक है, तो हम आए हृदय राम बाबा के मंदिर में, और आपको ये बताना चाहूँगी कि जब मेरी जब शादी होने वाली थी ना, मैंने मंगलवार वीरवार का जो मैं व्रत करती थी यहीं पे मैंने उद्यापन किया था, और जब मेरी शादी होने वाली थी तो मम्मी ने यहीं से, जो कृष्ण भगवान राधा जी हैं वहीं से मन्नत मांगी थी, तो यहाँ पे आए थे हम शादी बाद में आई थी दर्शन करने के लिए, मम्मी ने बताया था। विशाल और पूजा की शादी हुई तब भी हम यहीं आए थे पहला दर्शन करने, क्योंकि हम पहले यहीं पर रहते थे, और पहले यहीं पर रहते थे हम इन भगवान जी के पास, जब ये मंदिर पूरा बहुत अच्छे से नहीं था, थोड़ा छोटा ही था, तभी से हमारा यहाँ पे आना जाना पूजा सब कुछ यहाँ पे होता था, तो इस वजह से तो ये सारी चीज़ें हुई। तो हमने सोचा अभी कि अभी आरती की शादी होने वाली है, तो उससे पहले हम ले चलते हैं मंदिर और भगवान जी के दर्शन करके आते हैं। तो अभी वो प्रसाद लेने गई है, हमें प्रसाद चढ़ाना होगा, तो अभी हम प्रसाद चढ़ाएँगे और उसके बाद दर्शन करते हैं भगवान जी के और फिर चलते हैं। मतलब हमारी ना बहुत ज़्यादा आस्था मान्यता, क्या भैया देखो ना कितना गंदा है वो, तो बहुत ज़्यादा आस्था है, तो फिर हम यहाँ पर इसीलिए आते हैं माथा टेकने के लिए। कहते हैं ना यहाँ पे हृदय राम बाबा जो है ना बाबा, यहाँ पे सारे भगवान के मंदिर है आप लोग आगे देखना, लेकिन जो हृदय राम बाबा है ना वो यहाँ पे रहते थे और उनकी यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है, उनमें बहुत शक्ति है, लोग अपना आस्था रखते हैं, पूजा किए हैं। नहीं मिला, आ जाओ आ जाओ, लेने जा रहे हो, लेके आ जाओ, ठीक है। मेरी बहनों ने प्रसाद ढूंढ निकाला, कैसे नहीं मिलेगा, हम चढ़ाएंगे प्रसाद, चिनोरी क्या बोलते हैं, इलायची दाना, हाँ इलायची दाना, और पता नहीं कौन सा दाना, और भी कुछ बोलते हैं। ये पूरा लग रहा है सचमुच के बैठे हैं मेरे पास, सचमुच के लग रहा है, बहुत लेकिन अच्छा लगे।
क्या मांग रहे हो आप दोनों बाबा से? ज्वाली बहन का मुराद पूरा हो गया? हाँ हो जाता है, एक बार तू भी मांग दे। चलो मैं आराम से। मैं कुछ सोचने लगी थी। दीदी पैर छू छू के आशीर्वाद लूंगी, अब इनका छुट्टी। सो गाइस, तो मेरी बहन अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रही है, तो हम यही कामना करते हैं कि उसकी घर गृहस्थी सुखमय रहे, शांति से रहे और अपनी पूरी जीवन खुशहाल भी था और सारे सपने उसके पूरे हो। और यहाँ पे इतने अच्छे से इतने प्यारे प्यारे व्लॉग आ रहे हैं, पर उसे लोग नहीं देखना चाहते। लोग चाहते हैं कि हम कंट्रोवर्सी करें। वैसे तो सारे मतलब जो हमें अगर कभी भी कुछ भी कंट्रोवर्सी होता है, कहीं भी कुछ भी नेगेटिव टाइटल मिले, कुछ भी ऐसा मिले, तो लोग सबसे पहले ज्ञान देते हैं ये कि ये ऐसे मत डालो, ये मत डालो, वो मत डालो, और गालियाँ और उल्टी सीधी बातें शुरू होती हैं, है ना। और देखो जो वही डालते हैं ना, तो पब्लिक जो दूसरों को ज्ञान देती हैं, बहुत से, सबकी बात नहीं कहूँगी, जो भी हैं ऐसे, वो देखना पसंद करते हैं। मतलब उनके व्यूज़ देखो, मतलब कि वो चाहते हैं कि हम कंट्रोवर्सी करें तभी वो ब्लॉग देखेंगे। जब इतने प्यारे इतने अच्छे रिचुअल्स ब्लॉग आ रहे तो वो बोरिंग लग रहे, पता नहीं कौन से लोगों को ये चीज़ बोरिंग लग रहा है। अब तक आप लोगों को नहीं पता होगा, मेरे बचपन की गलियाँ ये हैं, हमारी बचपन की गलियाँ ये है, हम बाद में वहाँ गए हैं। मेरी शादी भी जब हम यहाँ रहते थे तभी हुई थी, उसके बाद हम वहाँ गए हैं। तो आज ये सीक्रेट रिवील कर दिया मैंने, हम यहाँ रहा करते थे और आज यहाँ पे आई हूँ। तो बहुत सारी मेमोरी, बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं इन रोड, इन सड़कों से। यहाँ जो पटियाला है, यहाँ से हम ऑटो पकड़ा करते थे कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी क्या एक नंबर ही जाते थे अधिकतर, तो यहाँ से ऑटो पकड़ा करते थे जैसे तब जाते थे। आरती कॉब अभी इधर पड़ेगा, उधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा ना। मंदिर से आते वक्त हम यहाँ पे गए जहाँ हमें कोट पैंट देखना था, 3 पीस 2 पीस ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कलर डिज़ाइन। आपको पता है ऐसे कपड़े ना हम जिनके लिए लें, अगर वो सामने हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। फिर मैंने यहाँ पे हमें लेना था एक दूल्हे राजा के लिए भी, तो यहाँ पे वही मैं देख रही थी, तो मैं वही साइज़ वगैरह कन्फर्म कर रही थी, लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा कलर लूँ क्या लूँ। फिर उसके बाद मैंने देखा, फिर मैंने शर्ट वगैरह लिए और इनको मैंने बोला कि भाई आएगा शाम को या कल आएगा तो आके लेके जाएंगे। बट आगे क्या हुआ वो आपको व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, जो रिक्शा वाले ऑटो वाले भैया थे ना, उन्होंने हमें बहुत घुमाया था। आज हमारे साथ ऐसे ही कांड होता है, जब हम पहले आ रहे थे तो वो रिक्शे वाले को पुलिस वाले ने पकड़ा, तो उसने घुमाया। फिर उसके बाद हम जब दोबारा वैसे आ रहे थे वापस, तब वो ऑटो वाले जो भैया थे उनको पता नहीं चल रहा था कि उनको कहाँ लेके जाना है, कहाँ और कहीं और छोड़ के हमें कह रहे थे यहाँ से पैदल चले जाओ। तो शुक्र है कि माया नहीं थी। खाता रहा, पैसा दे दो अपना बहिना के, ला तू लेके स्टैंड पे मत खड़ा, इतना बना दिया बढ़िया से, ठीक है। हां जल्दी खा लिया सुन रे, इन्हें जिन्हें जैन होना आज पहले बार। हां पापा साइज 40 हम और लिया नु, शॉर्ट कर शॉर्ट लिए आज पहले बार हमने के लेवे के हमको का ही पास। हम दो दो बार भैया के प्लेट उलेट खूब नहीं से सजा के लिया, तो खाली खाली ही अपना ही नारियल खाए के चक्कर में दिया। अब हम पथरी किया नहीं, सब नारियल पीला की दूरी भी 40 लेवे को बाहर लेके आते नहीं। रुक मैं अच्छा कैसे खाते हैं ना,
अरे पत्थर थोड़ा वाला बजरी नो वाला भाई हाँ पत्थर ही वाला पत्थर दिखा तो मसी मम्मी पैसा छुपा के दे रही है नहीं मैं देख लूंगी इधर से नहीं हो गया हां हो गया नहीं ये दुकान दुगली वाली हां मैं मुझे 500 वाला देना ठीक है दे दिए इधर से पकड़ो 10 पकड़ो की बात है जल्दी आ जल्दी आ मेरी पत्थरी दे मैं ले ले आना फिर 20 हाथ पूरी मत आ जाऊंगी 21 रुपए में काम चलाना पड़ेगा और 11 रुपए का नारियल भी नहीं होगा लेकिन कोई नारियल इसीलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि बचा के रख लूंगी गाइस देखिए हमारे यहाँ भैया दूज वाला जिस दिन गोवर्धन फुटाता है उस दिन नहीं होता पूर्णिमा वाला दिन होता है और नारियल यूज होता है गोला लेकिन गोला खिलाने में यूज होता है खोला जाता है और सारा मैं बचा के रखी हूँ अपने लिए चलो सबसे पहले हमारा नंबर बटे गोबर में के समय तुम खा लो बाबू को पता गोबर में के चीरा फेंक देता है बाप रे बाप मैं बिया के 8 साल में पहले बार हमारा पत्थरी किया एक मौका मिलल बा पत्थरी की बजरी अरे बजरी पत्थरी जो बजरी पत्थरी तो बजरी बजरी ये लोग को पता नहीं क्या कुछ ये लोग खाली चल आठ धार कर दे पहले अरे ती उतर गाना गाओ बजरी खा के तू हमरा के पैसा दे दी है ताली बजाओ सो नरे ना तो तू पत्थरी हो बजरी बा अब नाम ले सलाम लगन जा रहा पैसा दे दी तो चलो एक तेल पकड़ा संत बढ़िया से खिलाइए कर के नारियल लो खेलू तो रखे ले हाइदा फटा दो मम्मी हां ले फटा चुका है हाइला हाई गोर लगा बजरी खा के चलो गोर छो जल्दी पीठ ठोका जा पत्थर पर पत्थर पर के हूं ना टूट पा एकदम अजर अमर हो जा ठीक है चला खा लो खेलो लगी जल्दी चला लाइन लगा लो अरे नेगो तो दे हम जा बारी लिया दे तो तन में खुला हो चलो ले दे ले हे तो हम तो नहीं भाई छुटका देबे हेलो तो ये खिया दे ले पहले अच्छा खिया दे ले चल कौन देखो मेरा नहीं हाई हाई अटिया के ऊपर दे दिया ओ भैया तेरा वादा निकला झूठा पैर छू लिया तेरा अब क्या होगा जा जा हेने से हेने घूम कर ले कैमरे में ठीक से ना कैच वाला अभी खा ले पहले खा के पकड़ 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 जल्दी मारी पहले भी ठोकी खिया दिले बरे खिया दिले बरे देख घुसा होना खिया दिले बरे मम्मी कहते मारे तार मर लू तुम्हारा बेटा के मौका मिला ठोक दी चलो गाइस तो आज हमारा बजरी वाला उसमें एड्रेस मत दिखा देना ऐसे करके चले कीर्ति हमारा ठीक है इसकी शादी हो रही है कोई नहीं हमारा एक भाई बाकी है अभी वहाँ लुटना है आने दो उसको पहले लाइट जलाओ वहाँ से मेरा भाई इतना मेहनत करके आया है इतना सारा सामान लेके आया है मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है मैं बोल रही हूँ तो वीडियो बना ये देखो गाइस तो फाइनली डोरमेट घर आ गया पूजा एक डोरमेट के पीछे कितने उससे पड़ी थी चांदनी चौक मुझे वो सर्कल वाला ही चाहिए अरे भैया बोले थे भैया बोले थे कि ऐसा वाला चाहिए क्या करूं देवर जी का आदेश था भाभी हो रोमा वाला ले लिया रोमा वाला ढूंढ के ले भाई वही आया ये ऐसे पैक करवाया चलो ठीक है ऐसा तो ठीक है हाँ हाँ ये ठीक लगा नहीं दिया मैं पापा से हमने बोला ना तो बोले ठीक है ले लो अब देखेगा वो पवन अब देखेगा वो पवन रखेगा अच्छा देख के मेरे पास से गई थी अब ले ले और खरीद लिया वहाँ पे तो मैंने फोन रखा ले आ मुस्तम का और अच्छा दूसरा जगह से आ गया दोनों एक किया मुस्तम को दोनों एक किया आ गया पापा आ गया आ गया गेट वाले लाइट ले आए और ये है ना दोनों तू पहले क्यों नहीं गई लाने के लिए मम्मी भी आज कह रही थी जो भी चीज लाती है एकदम देख के लाती है पैसा खर्च कर लेगा मुझे बढ़िया आ जाएगा
ये क्या है? ये क्या चीज है? ये बाहर गेट के ऊपर ही लाइट लगेगा। एक दो हजार का एक सो गाइस, तो ये जो लैंप था गेट पे आगे लगाना था ऊपर हमारे मेन गेट के ऊपर, तो ये पूजा लेके मतलब पूजा ने पसंद किया हुआ था, तो वही विशाल मजाक बना रहा था और कह रहा था किसी को भी पैसे दे दो आ जाओ उसमें क्या बोलते हैं कर्जे में आ जाओ तो वो अच्छा लाएगा ही, मतलब अपनी बीवी को मजाक बना रहा था। मैं और पापा कह रहे थे सामान अच्छा चुन के और चेक करके लाती है किस तरीके से क्या और कैसे लगा मतलब चाहिए यहाँ पे, मतलब हाँ चॉइस जो है ना उसकी अच्छी है, मतलब कि जो भी चीज़ें वो चुनती है देखती है अच्छे से देख के चुन के खरीदती है, तो भाई जो जैसा होता है जिस तरीके से होता है उसके लिए उतना मतलब कि अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए और बताना ज़रूर चाहिए और सामने में ही बताना चाहिए। सामने पूजा ही बैठी जिससे हमारी बातें हो रही है, कुछ धोती वगैरह लगते हैं पूजा में उसमें उस चीज़ का जो धोती है वो लेके आए थे तो वो दिखा रहे थे, कपड़ा और भी बहुत सारी चीज़ें, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी रह गई हैं जो कि अभी अगले दिन नेक्स्ट दिन शॉपिंग होगा। हमारा शॉपिंग तो इतना सारा भी पेंडिंग है समझ में नहीं आ रहा है, इतने पास आने के बावजूद भी अभी कुछ चीज़ें मेरी ऐसी रह गई है जिसको समझ नहीं आ रहा। कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि अरे कर लिया होगा सब, इनका तैयारी नहीं होती, तैयारी नहीं एंड टाइम पर सब कुछ इनका परफेक्ट हो जाता है, तो वो तो जो होना होता है मैं उसी में इतनी खुश होती हूँ और कॉन्फिडेंस अपने आप को दिखाती हूँ कॉन्फिडेंट कि लोगों को लगता है हाँ परफेक्ट है, तो जो है जैसा उसमें खुश हो जाना चाहिए तो आपका अपने आप ही हर एक चीज़ परफेक्ट हो जाएगा, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस चलिए अब ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिल जाए, और ये मत सोचे कि कंट्रोवर्सी और टाइटल ऐसे से ही आप ब्लॉग को देखोगे पसंद करोगे, इसके आगे तो सब कुछ सगुन वाले अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं बहुत जल्दी, सब कुछ दिन में दो दो ब्लॉग सोचूंगी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब साथ में बेल आइकन दबाएं। बाय बाय।